आप देख सकते हैं एकदम खस्ता भी बने हैं, इसमें कोई बबल्स नहीं है, एकदम जैसे हलवाई के होते हैं वैसे ही समोसे बने हुए, गर्मा गर्म क्रिस्पी और टेस्टी। हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रेखीचंद में स्वागत करती हूँ। समोसे तो आपने कई बार खाए होंगे, बट मैं जो समोसे बनाने जा रही हूँ वो हेल्दी तो है ही, साथ ही में एक डिफरेंट वैरायटी के भी हैं। ये है सूजी के समोसे, जो खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आई एम श्योर कि इससे पहले आपने ऐसे समोसे नहीं खाए होंगे। पसंद है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो चलिए इन अनोखे टेस्टी टेस्टी सूजी के समोसे को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें इन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हम समोसे बनाने के लिए आटा बना लेंगे। आटा बनाने के लिए हमें एक कप बारीक सूजी लेंगे और इसी का आधा कप हम घी लेंगे। याद रखें, एक कप सूजी के लिए हमें आधा कप घी होना चाहिए। अजवाइन हम एक छोटा चम्मच लेंगे। नमक स्वादानुसार आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है। बाउल में हम सबसे पहले एक कप सूजी लेंगे, नमक स्वादानुसार डालेंगे, एक छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। नमक जो है सूजी में अच्छे से मिल जाना चाहिए। अब हम इसमें आधा कप घी डालेंगे, जो कि पिघला हुआ है, ये होममेड घी है, और इसे भी अच्छे से हम सूजी में मिलाएंगे। घी जो है सूजी में अच्छे से जब्त होना चाहिए। घी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि घी के वजह से ही हमारे समोसे जो है वो बहुत ही खस्ते बनते हैं। अभी ये आटे की तरह बाइंडिंग नहीं हो रहा है, इसके लिए हम पाव कप गर्म पानी डालेंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक हम अच्छे से गूंदेंगे। आटा जो है हमें एकदम टाइट गूंदना है। जब भी हम समोसे जैसी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए जो आटा जो होता है वो हमेशा टाइट होता है, तभी जो उसकी शीट्स है वो बहुत अच्छी बनती हैं। आटा हमारा गूंदकर रेडी है। अब इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम हमारे समोसे की स्टफिंग बना लेते हैं। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, 2 बड़ा चम्मच धनिया लिया है, आधा कप उबले मटर लिए हैं, नमक स्वादानुसार 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च लिया है, 2 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, 1 छोटा चम्मच अदरक जिसे कद्दूकस कर लिया है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला लिया है। यहाँ पर मैंने 5 आलूओं को मैश करके लिया है। इन आलू में अब हम 2 बड़े चम्मच धनिया डालेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर सबको अच्छे से मिला लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए पहले मसाले आलू में डाले हैं क्योंकि जो मसाले हैं वो आलू में अच्छे से जब्त हो जाए। मैंने यहाँ पे आमचूर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास आमचूर ना हो तो आप यहाँ पे नींबू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये हमारा आलू का जो बैटर है वो बनकर रेडी है। अब हम इसे पका लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हमारा पक गया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हम कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे और 30 सेकंड के लिए इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप यहाँ पे हरी मिर्च बढ़ा सकते हो। अब इसमें हम आधा कप उबले मटर डालेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। आलू का मिक्सर डाल देते हैं। 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून कर ले लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमने आलू को और मटर को पहले बॉईल करके लिया हुआ है। इसे हम हल्का ही भुनेंगे। जो मसाले हमने डाले बस उन्हें हमें फ्राई करके लेना है। इसी स्टफिंग से मैंने आपको सूजी आलू के कटलेट्स बनाने बताए थे और आज मैं आपको इसी स्टफिंग से समोसे बनाना बता रही हूँ। तो आप देख सकते हो एक चीज़ों से हम कई चीज़ें बना सकते हैं, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है।
मसाले और आलू और मटर सब कुछ अच्छे से भून चुका है, एक दूसरे में अच्छे से मिल चुका है। जब तक हमारा स्टफिंग ठंडा हो रहा है तब तक हम तेल को लो फ्लेम पे गरम करने के लिए रखेंगे। अब हम हमारे समोसे की शीट्स बना लेते हैं। आटे को फिर से एक बार गूंद लेते हैं और इसकी मीडियम साइज की लोई बना लेते हैं। इस तरह से एक लोई लेंगे और इसे रोटी की तरह ही हम बेलेंगे। अगर आपको बेलने में तकलीफ हो रही है तो आप हल्का सा तेल बेलन पे और सरफेस पे लगा लें। रोटी के हम दो पार्ट कर लेंगे। रोटी के आधे हिस्से को हम लेंगे, इस तरह हम दोनों कोनों को उठाकर कोन का शेप देंगे। इसे कोन की तरह हम पकड़कर एक पॉकेट बना लेंगे और इसमें भरकर स्टफिंग डालेंगे। मैं यहाँ 2 चम्मच डाल रही हूँ, ज़्यादा स्टफिंग भरा हुआ समोसा टेस्टी लगता है। इस तरह से स्टफिंग को हम उंगलियों से थोड़ा अंदर दबा देंगे और किनारों पे हल्का सा पानी लगाएंगे और इसे बंद कर देंगे। इसे हमें अच्छे से प्रेस करके सील करना है, नहीं तो जब समोसे फ्राई करेंगे तब पूरी स्टफिंग जो है वो बाहर आ जाएगी और हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। अब इस तरह से हम सारे समोसों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमारे सारे समोसे बनाकर रेडी है। ये हमारा बचा हुआ सूजी का आटा है जिसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इससे हम टेस्टी क्रिस्पी नमकीन नमक पारा बनाएंगे। इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी शेयर करूंगी। तो हम एक चीजों से 3 टेस्टी इजी डिश बना रहे हैं। अब हम सारे समोसों को जो है फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे आपको टिप ऐसी है कि तेल को जो है वो लो पे ही हम गर्म करेंगे। तेल हमारा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत गर्म तेल होगा तो होगा ये कि जो हमारा समोसा है उसकी जो ऊपर की कोटिंग है वो पक जाएगी पर समोसा अंदर से नहीं पकेगा। और सेकंड थिंग ये कि अगर हमने इसे हाई फ्लेम पे अगर बड़ी आंच पे इसे फ्राई किया तो समोसे के पपड़ी में एक बबल जैसे बनेंगे और वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे और बहुत ज़्यादा तेल भी सोख लेगा। तो तेल को जो है हम लो पे ही गर्म करेंगे और जब हम समोसे डालेंगे तेल में तो इसे 6 से 7 मिनट तक हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। और जब हमें समोसे का कलर चेंज होने लगेगा तब हम गैस को जो है बड़ी आंच पे करके 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक उसका कलर जो है अच्छा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। परफेक्ट हलवाई जैसे समोसे बनकर रेडी हैं। अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं एकदम खस्ता भी बने हैं, इसमें कोई बबल्स नहीं है, एकदम जैसे हलवाई के होते हैं वैसे ही समोसे बने हुए, गर्मा गर्म क्रिस्पी और टेस्टी। तो देखा ना कितनी आसानी से और इतने टेस्टी और डिफरेंट स्टाइल के सूजी के समोसे बनकर रेडी है। हम सिर्फ मैदे के नहीं बल्कि सूजी के भी समोसे बनाकर खा सकते हैं और वो बहुत ही टेस्टी लगता है, क्रिस्पी भी है टेस्टी भी है। तो अब की बार आप सूजी के समोसे जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे वीडियो अपने फ्रेंड्स परिवार और सोशल साइट में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।